हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हमारे एक दोस्त का या हमारे एक फ्रेंड्स का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक कमेंट आया था कि हम फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्विच को फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने स्विच को लॉगिन कर लेना है और ओके, लेट्स सी, नो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल। हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मतलब आप ना दो चार विलेन बना लेते हैं या आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखे होंगे स्विच को, दैट्स नॉट बिग इश्यूज। ठीक है, मैंने दो विलेन बना रखी है और उसमें एक इंटरफेस क्रिएट कर दे रहा हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने विलेन क्रिएट कर रखी है। अब हम क्या कमांड डालना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, CD वर्किंग। ओके, ये जब भी वर्क करेगा जब भी आपका वर्किंग मोड में होगा। ठीक है, LS आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेज पे हो सकता है, मतलब मेरा यहाँ पे दिखा रहा है vboot.cfg, boots.cfg हो सकता है, समथिंग अलग अलग वेज पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें सिर्फ वही फाइल सिलेक्ट करनी है और फिर हम यहाँ पे कमांड डालेंगे। ठीक है, ये हम कॉपी कर लेना है हमको ये। ठीक है, ये हमारी फाइल है और rm और ये हमारी फाइल, इंटर कर देना है। ठीक है, इसमें फिर हमको टाइप करना होता है रिलोड फ्रॉम वर्किंग नॉर्मल टमाटो। ये बहुत ही प्यारा कमांड है, मतलब मालूम कैसा कि जैसे कि अगर आपका सर्टिफाइड मोड में भी होगा ना, तो हम इसको डालेंगे तो ये वर्किंग मोड में आ जाता है। इट्स टेकिंग सेवरल 5 मिनट्स। यस, ठीक है, वापस आ गए, हम चेक करेंगे अभी। ओके, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन निकल चुकी है, मतलब आपका एज अ न्यू स्विच होगा। ठीक है, हमारा ये न्यू स्विच जैसा काम कर रहा है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं इसमें। ठीक है, अगर और आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें और कमेंट करें आपको किस बेस पे क्या नॉलेज चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, एकदम हमारा यहाँ पे नोट बना रखा है मैंने, वो भी देख लें और ये भी देखें प्रॉपरली। ठीक है, और दोस्त आप लोग की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, बहुत सारा वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। हमारे जो दोस्त का था वो प्रॉपर सॉल्यूशन में नहीं दे पाया, हमारे पास एक सीरीज है। ठीक है, 6860N है, 6860N ई चाहिए सर को, और मैं कोशिश करूँगा 6860N का भी, मेरे जो प्रोजेक्ट पर काम है उसको फैक्ट्री रीसेट करूँ और दिखाऊँ आपको। Thanks for watching.